भजनगढ़ गुरुद्वारा जप और तप का प्रतीक है। हो भी क्यों ना, यहाँ गोदावरी नदी में 7 दिन और रात खड़े रहकर वाहेगुरु का सिमरन किया गया। नांदेड़ से यह सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। सेवादार जी से गुरुद्वारे का इतिहास जाने। भजनगढ़ साहब जी, संत बाबा अत्तर सिंह जी मस्तान वाली साहब दास्ताना जी, बाबा जी ने इस स्थान से भजन बंदी की सी। गुरुद्वारा परिसर में प्राकृतिक सौंदर्य सिमरन और ध्यान के लिए अनुकूल है। गोदावरी की शांत लहरें वातावरण को और भी खूबसूरत बना देती हैं। इस गुरुद्वारे को जपियों और तपियों की साधना स्थली भी माना जाता है। नांदेड़ के पास गुरुद्वारा भजनगढ़ साहब संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआना वाली की याद को आज भी ताज़ा रखे हुए हैं। सेना छोड़ने के बाद संत बाबा अतर सिंह जी देहरादून से पैदल चलकर नांदेड़ आए और सचखंड की सेवा में लीन हो गए। यहाँ बुंगे का निर्माण शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने विशेष रूप से भजन बंदगी करने के उद्देश्य से बनवाया था। मान्यता है कि संत जी ने लगातार 7 दिन और रातों तक गोदावरी नदी में खड़े होकर वाहेगुरु के नाम का जाप किया। माना जाता है कि संत जी की भक्ति और शक्ति देखकर स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। 40 वर्षों तक हुजूर साहब के तत्कालीन जथेदार श्रीमान 108 संत बाबा जोगिंदर सिंह जी ने यहाँ सेवा जप और तप किया और इस स्थान की शोभा बढ़ाई। गुरुद्वारे के बाहर बोर्ड पर इतिहास में यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ और भी कई नाम के रसिए हठी जपी तपी निर्मल उदासी सन्यासी ब्रह्मचारी गुणी ज्ञानी भगत महापुरुषों ने भी गुप्त और प्रकट रूप से इस स्थान पर जप और तप किया। साध संगत जी, आप भी मेरे साथ चलो और इस दिव्य गुरुद्वारे के दर्शन करके निहाल हो जाओ। आइए साध संगत जी, सेवादार जी से इस गुरुद्वारे का इतिहास जाने। इस गुरुद्वारे का संक्षिप्त इतिहास दसो। यह स्थान गुरुद्वारा भजनगढ़ साहब जी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तान वाली साहब दास्ताना जी, बाबा जी ने इस स्थान से भजन बंदी की सी, इस करके इस स्थान का नाम गुरुद्वारा भजनगढ़ साहब कहा जाता जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने संतों को सिपाही बनाया और शस्त्र धारण करने के लिए कहा। उनकी मान्यता थी कि शस्त्रों के आधार पर ही बैरियों पर फतेह पाई जा सकती है। ये शस्त्र देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए आज भी सिख गुरुद्वारों में अस्त्र शस्त्रों को सजाया जाता है। दशमेश गुरु जी स्वयं अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रहते थे। प्रत्येक श्रद्धालु का कर्तव्य है कि वह शस्त्रों का अदब रखे।
भजनगढ़ गुरुद्वारे में भी जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं वह दशमेश गुरु के इस कथन की याद दिलाते हैं, 1,25,000 से एक को लड़ाऊंगा तभे निज नाम गोविंद सिंह कहूंगा। गुरुद्वारा परिसर में प्रकृति की सुंदरता भी देखते ही बनती है। हरे भरे दरख्त हैं, बाग बगीचे हैं, सांझ सवेरे यहाँ पंछी चहकते हैं। यह वातावरण ध्यान करने और सिमरन करने के लिए अनुकूल है। पास ही गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी की लहरें मानो यहाँ आकर शांत हो जाती हैं ताकि वह गुरुद्वारे से गुरबाणी की स्वर लहरियों को सुन सकें, आत्मसात कर सकें। गोदावरी नदी सिख इतिहास की गाथा सुनाती है। इसी नदी के किनारे नांदेड़ और उसके आसपास के अधिकांश गुरुद्वारे हैं। साध संगत जी इस गुरुद्वारे के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन निर्मल हो जाता है, मन की उहापोह समाप्त हो जाती है और जी चाहता है कि सिमरन करें और वाहेगुरु का नाम जपें। साध संगत जी मेरे साथ आपने भी इस गुरुद्वारे के दर्शन किए। नांदेड़ साहब के आसपास और भी बहुत से ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिन्हें मैं शीघ्र ही आपके लिए अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। नांदेड़ के आसपास के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए आप चैनल से प्यार करते हैं, यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए एक से एक सुंदर गुरुद्वारे का इतिहास लेकर आऊँ। फिर मिलूंगा।